प्यारे बच्चों, जैसा कि तुम्हें बताया गया कि कोई भी खेल खेलने से पहले उसके उसूलों को समझ लेना जरूरी है। खेलों के उसूल सबके लिए यकसा हुआ करते हैं। सभी खिलाड़ियों को उसूलों की पाबंदी करना लाजमी होता है, जिसकी वजह से वो अच्छी तरह खेल सकते हैं। आओ बच्चों, मिसाल के तौर पर हम कबड्डी इस खेल के उसूल जानने के लिए एक वीडियो देखते हैं। चलो बच्चों, कबड्डी के मैदान में जाते हैं। आइए देखिए, ये कबड्डी का मैदान है। यहाँ एक टीम के 7 खिलाड़ी खड़े होंगे और इधर बी टीम के 7 खिलाड़ी खड़े होंगे। आइए खेलने से पहले हम इस कबड्डी खेल के उसूल जान लेते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ आइए और बी टीम का कैप्टन जो है तो यहाँ खड़ा रहेगा। सबसे पहले टॉस होगा और जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले चढ़ाई करेगी। बच्चों, ये खेल का मैदान है, एक मैदान की दरमियानी लकीर है। 7 खिलाड़ी यहाँ खड़े होंगे ए टीम के, 7 खिलाड़ी बी टीम के यहाँ खड़े होंगे और जो टीम टॉस जीतेगी उसका खिलाड़ी दरमियानी लकीर से, मिसाल के तौर पर ए टीम के कैप्टन ने टॉस जीता तो अपने खिलाड़ी को भेजेगा और वो खिलाड़ी यहाँ से कबड्डी 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 करता हुआ यहाँ तक पहुँचेगा। बच्चों, ये निदान लकीर है, इसे निदान लकीर कहते हैं। निदान लकीर तक कम से कम खिलाड़ी को पहुँचना जरूरी होता है। उसके बाद बोनस लकीर है, ये बोनस लकीर अगर बच्चा खिलाड़ी इसको पार करता है तो उसे एक पॉइंट मिलता है। और ये जो है तो आखिरी लकीर है बच्चों, ये यहाँ पर खड़े हुए 7 खिलाड़ियों में से अगर कोई खिलाड़ी गलती से या आने वाले खिलाड़ी के डर से इस लकीर को पार कर लेता है तो वो आउट कहलाता है और आउट होने वाले खिलाड़ी यहाँ आकर बैठते हैं। बच्चों, दरमियानी लकीर से निदान लकीर का फासला 3 मीटर होता है और बोनस लकीर का फासला दरमियानी लकीर से बोनस लकीर तक 4 मीटर होता है। प्यारे बच्चों, ये आखिरी लकीर जो है इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इस लकीर को बेख्याली में या खिलाड़ी के डर से अगर कोई पार कर जाता है तो आउट हो जाता है। दूसरा आउट होने का तरीका है कि खिलाड़ी कबड्डी कबड्डी करते हुए आने वाला खिलाड़ी अगर इन 7 खिलाड़ियों में से किसी खिलाड़ी को छू लेता है या एक से ज्यादा खिलाड़ियों को छू कर वापस कबड्डी 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 करता हुआ दरमियानी लकीर तक पहुंचता है तो जितने खिलाड़ियों को छूकर वो वापस पहुंचा है उतने खिलाड़ी आउट करा दिए जाते हैं और उन आउट खिलाड़ियों को इस जगह बिठा दिया जाता है। इस तरह मुकम्मल खेल पूरे खिलाड़ी आउट होने तक नहीं बल्कि जो वक्त मुकर्रर हो गया है, जैसे ये पहली पारी 5 मिनट की है, 5 मिनट में अगर जितने खिलाड़ी आउट हुए उतने पॉइंट ए टीम को मिलेंगे या बी टीम ने ए टीम के जितने खिलाड़ियों को आउट किया उतने पॉइंट उनको मिलेंगे। आखिर में 5 मिनट के बाद थोड़ा वक्फा लिया जाता है, उस वक्फे के बाद ए टीम के खिलाड़ी बी टीम के मैदान में और बी टीम के खिलाड़ी ए टीम के मैदान में आ जाते हैं। प्यारे बच्चों, फिर दोबारा खेल इसी तरीके से शुरू होता है। अब ये बाजू में जो एक लकीर नजर आ रही है आपको, ये जो चौड़ाई 1 मीटर की, इसे लॉबी कहते हैं, लॉबी, और ये लॉबी की लंबाई 11 मीटर होती है। इस तरह तमाम उसूलों जवाबित का ख्याल रखते हुए खेल को अपने अंजाम तक पहुंचाना होता है। बच्चों, इसी तरह अपनी इज्तिमाई जिंदगी को बेहतर तौर पर
गुजारने के लिए भी उसूलों की पाबंदी करना जरूरी है।